गाइस, सो कल मेरी ब्लॉग नहीं आई और मंडे को जनरली मेरी ब्लॉग आ जाती है, संडे वाली ब्लॉग, पर कल नहीं आई क्योंकि जब से मैंने ये न्यूज़ सुना है ना संडे को, ऐसे मैं संडे को कभी भी कुछ काम नहीं करती हूँ, यूट्यूब वगैरह ज़्यादा नहीं देखती हूँ, ज़्यादातर टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही स्पेंड करती हूँ, लाइक मूवीज़ देखना, खाना, सोना, यही सारा चीज़ चलता रहता है संडे को। तो संडे को मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ, जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, कोई स्पॉन्सरशिप ना हो, कोई सेल ना हो, तब तक नहीं करती हूँ। तो मैं मोबाइल नहीं देख रही थी संडे को, और एंड फिर हम बाहर भी गए थे नितेश का चश्मा ठीक कराने के लिए, और जस्ट उसके बाद आए ही थे और नितेश के फ़ोन में मैसेज आया था उनके ग्रुप में कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। तो पहले वो लगा झूठ का न्यूज़ है, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने उन्होंने रिएक्शन ऐसे ही दिया, झूठ का न्यूज़ है, ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना हंसता चेहरा, मुझे तो यही लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर नितेश ने बोला कि नहीं, सच में सुसाइड कर लिया। तो फिर जा कर के मैंने ना यूट्यूब खोला और सारे न्यूज़ देखना स्टार्ट किया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मतलब इतना बड़ा स्टार, हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, इतना मासूम चेहरा, इतना इंटेलिजेंट इंसान, कोई सुसाइड कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है, ऐसा क्या हो गया कि सुसाइड करना पड़ा। अरे यार पैसे की, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि हो सकता है आर्थिक तंगी उस टाइम पे वही आ रहा था फर्स्ट डे, अभी पैसे की कमी हो, उस सिटी को छोड़ दो, अगर उस प्रोफेशन से आप नहीं अर्न कर पा रहे हो तो अपने घर चले जाओ, कुछ और कर लो, मतलब इंजीनियर हो, बहुत सारा कुछ कर सकते हो, इतना क्रिएटिव इंसान, इतना इंटेलिजेंट इंसान हो, फिर ऐसा कैसे कर सकता, मैं दिमाग में यही आ रही है ऐसा कैसे कर सकता, मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे उनके ऊपर कि आखिर ये कैसे कर सकता है, इससे मतलब बाकी लोगों को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो बस सुसाइड कर लो। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट नेक्स्ट डे जब मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे, लाइक फीफा फूज के वीडियोस देखे कि आखिर फीफा फूज और कंगना रनौत की एक वीडियो और कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसमें बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक करण जौहर और वो क्या नाम है आदित्य चोपड़ा की प्रोडक्शन के, यस राज प्रोडक्शन से उन्हें बैन कर दिया गया था, उनको फिल्में नहीं दी जा रही थी, उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही थी, उनको सारे प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया था, उनके पास कोई मूवी नहीं थी, उनके 7 में से 6 मूवीज उनसे छीन ली गई थी, और जो मूवी पास में मिली भी थी उन सारे को छीन करके रणवीर सिंह को दे दिया गया था। फिर इतने अच्छे अच्छे मूवीज करने के बाद भी घटिया घटिया मूवीज को अवार्डों की बौछार मिलती है, और छिछोरे जैसे इतने अच्छे मूवी को एक भी अवार्ड नहीं, ये सारा चीज, मतलब जब आप किसी इंडस्ट्री में हो, आप किसी फील्ड में हो, वहां काम कर रहे हो और वहां सब आपको मिल करके एक किनारा कर रहे हो, आपको साइड कर रहे हो, वहां आपको पूछने वाला कोई नहीं हो, जबकि आप इतने टैलेंटेड इंसान हो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, फिर भी ये जो नेपोटिज्म थी, रनौत बिल्कुल सही बोलती है कि ये जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है ना बहुत ही घटिया है। और मैंने तो सोच लिया है आप कभी भी, मैं करण जौहर की मूवी एंड यस राज फिल्म्स की मूवी, खास करके जिसमें ये जो स्टार किड को लॉन्च करते हैं घटिया घटिया मूवी, क्या हम सिर्फ स्टार किड की टांगे देखने जाएंगे कि वो कितनी ग्लैमरस और कितनी खूबसूरत है, करण जौहर तो यही दिखाते हैं और तो कुछ दिखाना उनको आता नहीं है, बस स्टार किड को लॉन्च करते रहते हैं, लड़कों की बॉडी दिखाते हैं और लड़कियों की भी बॉडी ही दिखाते हैं, टांगे दिखाते हैं और तो कुछ उनको आता है नहीं, फिल्म में स्टोरी तो कुछ होती है नहीं। पता नहीं आपको लगेगा मैं बहुत ज़्यादा रूड हो रही हूँ, बहुत अजीब सी चीज़ें बोल रही हूँ, बट सच्चाई तो यही है ना, मैं बहुत टाइम से कोई मूवी देखने नहीं गई हूँ, अभी खैर कोरोना की वजह से जा ही नहीं रही हूँ, लास्ट मूवी मुझे याद है मैं छिछोरे देखने के लिए गई थी और सेकंड में गई थी स्काई इज पिंक देखने के लिए, और उसके बाद मुझे कोई मूवी याद नहीं है, एक दो गई भी होगी तो याद नहीं है, लेकिन ये कलंक और क्या बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 वगैरह वगैरह जो भी साथ में मूवी, जो भी बेकार की मूवी आई, मैं कोई भी मूवी देखने के लिए नहीं गई हूँ, मैं हमेशा रिव्यू देखती हूँ, मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो कभी नहीं जाती हूँ, चाहे कितने भी बड़े स्टार की मूवी हो कभी नहीं जाती हूँ, रिव्यूज़ देखती हूँ 2-3 दिन के बाद कि क्या रिव्यूज़ है, क्या IMDb की रेटिंग है, उसके बाद फिर जा करके मैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ सही मूवी है तो मैं जा करके देखने के लिए जाती हूँ, अदरवाइज मैं किसी मूवी को देखने नहीं जाती हूँ, एक तो पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, तो उससे अच्छा है कि घर पर रहो, अपना टाइम को इन्जॉय करो। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब ये जो भी सो कॉल्ड स्टार किड है ना, जिन्हें ये करण जौहर और ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है ये लॉन्च करते हैं, उनकी मूवी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी और आप लोगों को भी नहीं जानी चाहिए, यही हमारा जवाब होगा। मतलब छोटे छोटे जगहों से निकल करके लोग इतने बड़े बड़े सपने लेकर के जाते हैं, अब प्रत्युषा बनर्जी को ही देख लो, उन्होंने भी काम नहीं मिल पाने की वजह से डिप्रेशन में चली गई, फिर सुसाइड कर ली, दीपिका पादुकोण भी डिप्रेशन में गई थी लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया,
उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। तो अगर कोई डिप्रेशन में है भी तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने फैमिली से बात करो। सुसाइड करना मतलब लाइफ को एंड करना सोल्यूशन नहीं है। आप लाइफ है मतलब जान है तो जहान है बोलते हैं, जान है तो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जान लेना बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। पर पता नहीं सुशांत ने ऐसा किया क्यों, मतलब वो इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने लाइफ को ही ख़त्म कर दिया जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें यहाँ समझने वाला नहीं। अच्छे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो बुरे लोगों के बारे में यही हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है, आखिर इसने ऐसा क्यों किया, आखिर ये ऐसा कर कैसे सकता है, इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है, बस यही माइंड में चलता रहता है। जो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड उनके साथ रहती थी, जब उनको पता था कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो फिर आप जब उनकी गर्लफ्रेंड हो, एक रिलेशनशिप में हो, तो फिर वो छोड़ के कैसे जा सकते हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी हालत हो, आप छोड़ के कैसे जा सकते हो किसी इंसान को, जो इंसान इतना परेशान है, जिसको लगता है कि कोई उसे मार रहा है, जिसको अजीब अजीब से चीज़ें दिखाई देती है, उसको आप छोड़ के कैसे जा सकते हो मरने के लिए? यहाँ ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है ना, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। रिश्ते बदलते रहते हैं, आजकल कोई आज कोई इसके साथ है, कल उसके साथ है, आज इससे शादी कर रही है, कल उससे तलाक हो रहा है, बस यही सब वहाँ चलता रहता है। तो हमें तो उनको देखना ही नहीं चाहिए, उनसे इन्फ्लुएंस होना ही नहीं चाहिए, उनकी लाइफ भी नहीं देखनी चाहिए, इतनी बदतर ज़िंदगी है उनकी। उनके अंदर ना इमोशंस होते ही नहीं है। सबका नहीं बोल रही हूँ मैं, पर मोस्टली अब देखो ना, जितने भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी टॉप की हीरोइने थी, अब रानी मुखर्जी देख लो, दूसरे का घर तोड़ करके शादी की है, शिल्पा शेट्टी देख लो, दूसरे का घर तोड़ करके शादी की है, ऐसी बहुत सारी हैं जिन्होंने दूसरे का घर तोड़ करके शादी की है। तो कैसे कोई किसी के घर को तोड़ सकता है, उनके बीवी उनके बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोच सकता है? तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। अब चाहे ये करण जौहर कुछ भी पोस्ट लिख ले, चाहे कोई कुछ भी पोस्ट लिख ले, क्या सुशांत सिंह वापस आने वाला है लौट करके? इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा एक्टर चला गया क्यों? सिर्फ इन लोगों की साजिश की वजह से, सिर्फ इन लोगों के उनको बैन करने की वजह से, उनको फिल्में ना देने की वजह से, उनको कैसा फील होता होगा? धीरे धीरे करके उनकी जो हिम्मत थी वो टूटती गई, वो अकेले पड़ते गए और फाइनली उन्होंने अपना जान ले लिया। उन्होंने बहुत ही गलत किया, क्योंकि जान लेना सॉल्यूशन नहीं है। वो ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं ये डिप्रेशन क्या चीज़ होती है यार, हमारे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, मतलब इतनी सारी भर भर के प्रॉब्लम आती रहती है, जाती रहती है। हम तो कभी भी डिप्रेस नहीं होते हैं, हम उसका लड़ के सामना करते हैं, डट के सामना करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, क्या से क्या सिचुएशन दिखाएगी ज़िंदगी, देख लेंगे और उससे भी उबर लेंगे। ये होना चाहिए हमारे अंदर, ना कि अरे यार बहुत टेंशन है, चलो मर जाते हैं, चलो जान दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अपने परिवार के बारे में एक बार तो सोचो, अपने मम्मी के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, या फिर अपने वाइफ के बारे में एक बार तो सोचो। कभी भी ऐसा करने से पहले ना, हमें एक बार अपनी फैमिली को याद करने पे ना लगता है कि यार मैं तो चला जाऊंगा, उसके बाद उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो कैसे इस दुख को हैंडल कर पाएंगे, वो कैसे चैन की नींद सो पाएंगे, वो उनकी आंखों से कितने आंसू निकलेंगे, ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग? किसी भी परिवार के लिए, किसी भी इंसान के लिए किसी की लाइफ से ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं होती। अरे यार हम तो पूरे पैसे अपने लुटा देते हैं किसी बीमार इंसान को बचाने के लिए। अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार होता है तो हम अपने पूरे पैसे लुटा देते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं, ज़मीन जायदाद सब बेच करके जितना दिन हो सके उनका इलाज कराते हैं कि बस इंसान बच जाए, इंसान जिंदा रहे, हमारे बीच रहे। उसके लिए हम सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि जान ही है, जान एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आती है, कुछ भी कर लो वापस नहीं आती है। ये क्यों नहीं समझते हैं लोग, कैसे कर लेते हैं सुसाइड और क्यों होते हैं डिप्रेस्ड? किस चीज से डिप्रेस्ड? किसी लड़की के लिए डिप्रेस्ड, किसी नौकरी के लिए डिप्रेस्ड, या फिर अपने करियर के लिए डिप्रेस्ड, या फिर पढ़ाई के लिए डिप्रेस्ड? क्यों? जितना हो रहा है उतना करो ना, जितनी पढ़ाई हो रही है उतने ही करो, अपनी कैपेसिटी से करने की जरूरत, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा करने की जरूरत क्या है? ना अर्निंग हो रही है उतनी करो ना, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है तो उसके लिए मरने की जरूरत क्या है? कोई लड़की नहीं मिल रही है तो जाने दो ना, जिंदगी में अगर कोई नहीं मिलता है तो उससे बेटर मिलता है, उससे बेटर आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, क्यों किसी के लिए भी मरना?
एक बार मर जाओगे तो फिर जिंदगी वापस नहीं मिलती है यार। मतलब मैं ना कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कल फुल डे मंडे को मैंने सिर्फ उन्हीं के बारे में देखा है बस, और ना ही खाने को मन कर रहा है, ना ही कुछ करने को मन कर रहा है। आज अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, आज भी मैंने कुछ नहीं किया है, बस मतलब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। मुझे इतनी सारी वीडियोस बनानी है पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ कैसे करूँ। जब फोन लेकर के बैठ रही हूँ बस उन्हीं की न्यूज़, और मतलब खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। और मुझे नित्य सुबह ही मना करके गए हैं कि तुम कोई भी न्यूज़ नहीं देखोगी, फिर भी मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को कि आखिर क्यों किया, क्या हुआ उस इंसान के साथ, क्या हुआ उस बेचारे के साथ, क्यों ऐसा किया लोगों ने, बस यही मेरे माइंड में चल रहा है। सो मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि अपनों के साथ रहिए, अपनों से प्यार कीजिए। फालतू की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, या फिर जो लोग आपसे जलते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, आपको नहीं पसंद करते हैं, आप उनसे तोड़ दीजिए रिश्ता, और उनके बारे में सोचने का आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके साथ रहने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए टाइम बहुत कम है और ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। ये मत सोचिए ज़िंदगी में कि आपके पास क्या नहीं है, बस ये सोचिए कि आपके पास क्या है, और उससे प्यार कीजिए, उन लोगों से प्यार कीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बस हम यही कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए। ऐसे भी ये कोरोना का जो टाइम है ये पता नहीं कब जाएगा, और अब हमारे ही आसपास में कोरोना फैलने लगा है। यार अचानक से कुछ आवाज़ आती है तो मैं खुद डर जाती हूँ। हमारे आसपास में इतना कोरोना फैलने लगा है, मतलब हमारे फ्लैट के पीछे, मतलब इसी एरिया में, तो हमारे यहाँ सबका आना बंद हो गया है। पता नहीं मिल्क वाला भी आएगा या नहीं आएगा, मतलब जो क्लीनिंग वगैरह करने के लिए लोग आते थे सबका आना बंद हो गया है। जो कचरा वगैरह उठाने के लिए आते थे, हम जस्ट अपने डोर के बाहर रख देते थे, सारा कुछ क्लीन होता था सुबह, झाड़ू पोछा सब कुछ करके कचरा लेकर के जाते थे सारे स्टाफ लोग आ करके, तो सब कुछ बंद हो गया। अब हमें नीचे जा करके बड़ी सी डस्टबिन जहाँ पर रखी हुई रहती है वहाँ पर सब कुछ जाके डालना है। यहाँ अब बिल्डिंग में घुसना किसी को भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इसी एरिया में, मतलब जिस एरिया में हमारा अपार्टमेंट है, इसी एरिया में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। तो अब तो मिल्क विल्क कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बाहर भी मैं नहीं जाने वाली हूँ कुछ भी लेने के लिए, जस्ट बिग बास्केट से ही ऑर्डर करने वाली हूँ। मैं तो सोच रही हूँ अभी ऑर्डर कर दूँ। संडे को लेकर के आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के आई हूँ मतलब वेजिटेबल्स में, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ सब कुछ थोड़ा 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 मंगा करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं भी फिर बिग बास्केट का आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अब तक क्या था ना, कोयम्बटूर में बिल्कुल भी केस नहीं बढ़ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, और जो 4-5 केस थे वो भी हॉस्पिटल में थे, वो भी ठीक हो गए थे। अब जब से लॉकडाउन खुल गया है ना, तब से बाहर से लोग आए हैं और यहाँ पे कोरोना बहुत बढ़ गया है, बहुत ही फैलता जा रहा है, और इस एरिया में आजकल बहुत ज़्यादा केस मिल रहे हैं। तो अब यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और नितेश ऑफिस से आते हैं, मैं तो मतलब अगर उस बारे में मैं सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल ऐसे ही बैठा जाता है कि वो ऑफिस से आते हैं। पर यही जिंदगी है, जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही है। हमेशा हम खुश नहीं रह सकते हैं, हमेशा हमारी लाइफ एक जैसी नहीं हो सकती है। ये पता नहीं क्यों लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं यार, यही है हमारी लाइफ, हमें इसी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां ढूंढना है, उसमें खुश होना है। अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। अभी ये लॉकडाउन में तो और भी कुछ नहीं है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, घर में ही तो रहना है। ऐसे में तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी डिप्रेस्ड होकर के। लेकिन जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है वो जानबूझ के किया गया है। उनको आलतू फालतू स्टार किड को बड़े बड़े मूवी, बड़े बड़े बैनर के साथ लॉन्च करने से कुछ नहीं होता है। ये फ्लॉप ही तो जाती हैं सारी मूवीज, जितनी भी मूवीज आई हैं स्टार किड की, सारी तो फ्लॉप ही गई हैं, मैं तो देखने भी नहीं गई हूँ। क्या हो जाएगा स्टार किड को लॉन्च करने से बड़े बड़े बैनर के साथ, क्या वो सुपर स्टार बन जाएंगे? जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है ना, बस मैं चाहूंगी कि जिन्होंने ये किया है ना, जिन्होंने ये साजिश की है, जिनकी वजह से ये मर्डर हुआ है उनका, उन लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। उन लोगों को भी इस तरह के दिन देखने पड़ेंगे, वो लोग भी एक दिन रोएंगे जरूर, मुझे बस इतना ही है, एक दिन वो लोग भी रोएंगे ही, जितना उन्होंने सुशांत सिंह को तड़पाया है। किसी अच्छे इंसान को तड़पाना अच्छी बात नहीं है।
जिन्होंने भी ये किया है ना, जिनके भी वजह से उनकी ये हालत हो गई कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी, वो भी एक दिन इसी सिचुएशन से गुजरेंगे, इससे भी बदतर सिचुएशन से गुजरेंगे। किसी भी अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जिंदगी में जो करोगे उसका कर्मा तो मिलना ही है, तो उनको भी उनका कर्मा जरूर मिलेगा। सो गाइस, आज तो ऐसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं आज का ब्लॉग क्या डालूंगी, लेकिन संडे का ब्लॉग जैसे ही मैं एडिट कर पाऊंगी मे बी कल आ जाएगा। और बस मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपनों से प्यार कीजिए, अपनों के बारे में सोचिए एक बार ना, अपने बच्चे के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने वाइफ के बारे में, कुछ भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले ना सोचना चाहिए। वो एक बार उनका चेहरा भी सामने आ जाए ना, तो कभी भी कोई इंसान ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि हम सोचेंगे कि उनको कितनी तकलीफ होगी, हम तो चले जाएंगे, जान क्या है, निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हमारे लिए, बट हमारे पीछे जो है उनका क्या होगा, ये जरूर सोचना चाहिए। इसलिए ये फेक दुनिया के पीछे भागने से अच्छा है अपने घर में जो दो चार लोग हैं ना, उनके पीछे भागो, उनके साथ रहो। बाय गाइज़।